देखिए, अगर आपको याद होगा जब 2010 में सिचुएशन ख़राब हो गई, इसी तरह पत्थरबाजी चलती रही, बाकी चीज़ें हो गई, तो तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने पीडीपी पे इल्ज़ाम लगाया कि हम जो उस वक्त उनको एंटी नेशनल बुलाते थे, ड्रग एडिक्ट्स बुलाते थे, क्रिमिनल्स बुलाते थे, बोलते थे मुजरिमों को लश्कर तैयबा और जो एंटी नेशनल फोर्सेस को पीडीपी पैसा दे रही है पथराव करने के लिए, ये 2010 का स्टेटमेंट है। और आज फारूक साहब कहते हैं कि आज जो है पीडीपी की सरकार पत्थरबाजों को, लड़कों को, जवानों को पैसा दे रही है पत्थर मारने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि खुद कुछ दिन पहले फारूक साहब ने कहा ये सारे नेशनलिस्ट हैं, तो आज वो उन्हीं नेशनलिस्ट को कहते हैं कि पीडीपी जो है उनको पैसा दे के पत्थर मरवा रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फारूक साहब कन्फ्यूज।